बार बताइए, ये पानी कहाँ से आया और ये कौन सा दरिया है? ये सतलुज है जी। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? और ये पानी इंडिया से आ रहा है, जैसा कि आप हम लोग सारे जानते हैं कि इंडिया में इन दिनों में फ्लड है। और ये गांव कौन सा है? चंदा सिंह ये गांव है और गंडा सिंह के ये पास है। किसूर में हम लोग हैं, ये वो बॉर्डर है और ये उस जगह पे हम लोग हैं। और ये कितना पानी है इस वक्त, गहराई क्या है इसकी? अभी जो भाई ने हमें बताया कि ये तकरीबन राउंड ये कोई जो डीप है, अभी उन्होंने बोर्ड रोकी है कि शायद कोई डेड बॉडी है, तो इस वजह से उन्होंने बोर्ड को रोका था। लेकिन वो शुक्र है कि वैसा कुछ नहीं था, वो शॉपिंग बैग निकला है, वो हेड सा लग रहा था। तो भाई बता रहे हैं कि जो इसकी गहराई है, जो डीप है, ये राउंड कुछ 70 फीट है। और ये अभी जो चंदा सिंह से ये लोग जा रहे हैं, ये जो सारे बैठे हुए, ये कौन से गांव में जा रहे हैं? ये गट्टी कलंजर जी। कौन से भाई? गट्टी कलंजर। अच्छा, और ये कितने दिनों से ये पानी ये आया हुआ है और ये सरवाइव कर रहे हैं? 16 to 17 दिन हो गए जी, 16-17 दिन हो गए पानी आया। और पानी मसलसल बढ़ रहा है कि कम हुआ है बीच में? बढ़ रहा जी। बढ़ रहा है अभी? हाँ जी, तकरीबन 2-2 फुट पानी ज्यादा हो गया। 200 फुट। अच्छा जी, तो ये कोई उम्मीद है कि कब तक ये, क्योंकि अभी तो सावन शुरू होने लगा है, बल्कि सावन की आज 5 या 6 तारीख है, तो ये सही पानी दी बुनियाद है जी, वो हैगी 8वें महीने दी 23-24 तारीख। ये पानी जेड़ा ये अपनी लिमिट तो पहले आ गया है। अच्छा, ते सही लिमिट इंदी जेड़ी 8वें महीने दी 23-24 तारीख एंड होंदा है। और फसलों का क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? जेड़ियां जी मक्की, झोना, तिल, तीन फसल जेड़े है ना, इन्हों का नुकसान होया। हाँ जी। और लोगों के घरों में भी गया है पानी? हाँ, कुछ घर च पानी गया है, कुछ जेड़े उच्चे घर ने वो बचे ने, जेड़े नीवे घर से उन्हें पानी गया है। हुकूमत का क्या तावन है इस वक्त इस गांव में? कोई तावन नहीं, सिर्फ साडिया एनजीओ वगैरह जेड़िया कलीजती ने मदद कर दिया, खास करके मसीहां दी भी ते मुस्लिम लोगों दी भी। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का भाई जी। इस वक्त हम मौजूद हैं गंडा सिंह के पास, एक गांव है जिसका नाम है चंदा सिंह, और ये दरियाए सतलुज का सारा पानी आप देख रहे हैं कि जो इंडिया ने छोड़ा है, और काफ़ी फसलें यहाँ पर मुतासर हुई हैं, जिसमें मकई की है, चावल है, और भी जो काफ़ी फसलें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पानी का फ्लो कितना तेज़ है और पानी मुसलसल बढ़ रहा है। ये जो दूरों नज़दीक के गांव हैं जिसमें चंदा सिंह है, और अभी भी जो हमारे साथ भाई थे उन्होंने बताया कि लोग काफ़ी परेशान हैं, उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है और पानी मुसलसल बढ़ भी रहा है और काफ़ी परेशान हैं। तो अभी मैं इनके साथ यहाँ पर आया था अपनी टीम के साथ, ताकि मैं कुछ कवरेज कर सकूं और लोगों के हालात के बारे में जान सकूं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि पानी का फ्लो कितना तेज़ है, ये चेक करें कितनी तेज़ी के साथ। इसका ये मतलब है कि पीछे से पानी मुसलसल छोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे जो लोगों के फसलें हैं, लोगों के घर हैं, वो इस फ्लड से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और ये लोग अभी रेस्क्यू 112 की ये यहाँ पर खिदमत है, जो ये जो गांव वाले लोग हैं इधर से उधर जो आ जा रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये बोट का इंतज़ाम किया हुआ है, और ये जा रहे हैं वापस। अभी मैं इनके साथ ही आया था और अभी फिर मैं जा रहा हूँ वापस, ठीक है? तो ये सारा हालात से आपको आगाही दी है, मैं नेशनल न्यूज़ का नुमाइंदा होने के नाते से आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।